हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल फिदाए और मेरे साथ है दर्शन कुमार, जो जी के फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन पर यहाँ पर मौजूद है जी। क्या कहना चाहोगे भाई? देखिए, जी फाइव का ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और सबके लिए बड़े खुशी की बात है, क्योंकि बहुत कमाल के कंटेंट इसमें आए हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया है शोज़ को। और जो नेक्स्ट लेवल पे जो अभी शोज तैयार हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनकी पहले से ही लोग डिमांड है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ बिग थिंग एंड गुड थिंग फॉर एवरीवन। आपका कोई एसोसिएशन लाइक जी मैं उनका अभी नेक्स्ट शो स्टार्ट होने वाला है स्काई फायर, जो मैं अभी शूट करने वाला हूँ। आने वाले अलग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग इन द फिल्म? जी मैं अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की फिल्म पे, जो उनके लाइफ पे बायोपिक बन रही है, वो फिल्म कर रहा हूँ पीएम नरेंद्र मोदी, और उसकी शूटिंग चल रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले अहमदाबाद से आया हूँ शूट करके ही, एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड इसके अलावा मैंने अभी दो वेब सीरीज़ की है, एक है अमेजोन प्राइम के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द फैमिली मैन, मनोज वाजपेयी और मैं हम इसमें, डी के राज सर मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से हैं, उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, जिनके साथ मैंने जेंटलमैन फिल्म की थी, कमाल के डायरेक्टर, आई लव देम, तो बहुत मज़ा आया उसमें। एंड एक मैंने सेम जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके ऊपर वेब्स, जैसे उरी फिल्म आई है वैसे ही सेम टॉपिक पे, सेम उस पर हमने एक वेब सीरीज़ की है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिया स्ट्राइक्स 10 डेज, वो बहुत जल्द आने वाले हैं, जिसमें मैं मेजर रौनक गौतम प्ले कर रहा हूँ, जो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे जाकर पाकिस्तान में। जो नरेंद्र मोदी जी की जो फिल्म है उसमें क्या कैरेक्टर है, कुछ जानना चाहेंगे जी? वो अभी तक हमारे प्रोड्यूसर ने कहा है कि वो बंद रखना, दे विल अनाउंस सून। But how are you excited with that film? Yeah, obviously, मेरी ये थर्ड फिल्म है उमंग सर के साथ। उन्होंने मैं भूमि भी ऑफर की थी, मैं कर नहीं पाया था, लेकिन ये तीसरी फिल्म है, वो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि वो हर फिल्म में चाहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ और मुझे अच्छा रोल ऑफर करते हैं, तो दिस इज़ गुड थिंग एंड आई लव वर्किंग विद हिम, बिकॉज वो यू नो एक्टर के साथ पूरा उसको निचोड़ देते हैं, वो कुछ ऐसा कराते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते, तो आपको बहुत चैलेंज मिलता है एज एन एक्टर काम करने के उनके साथ, तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।